तो गाइस अभी देख रहे हैं जैसा कि मेरे पीछे ये लाल किले का मेन गेट है, तो अभी हम लोग यहीं पे हैं। अभी 3 बज रहा है करीब, तो हाथरस से यहाँ का डिस्टेंस है करीब 45 किलोमीटर, और आज यहाँ घूमने का प्लान है, उसके बाद आगरे का यही ताजमहल का। तो अभी पार्किंग में लगाने गए हैं बाइक अरुण और देवू, और हाथरस में अरुण घर में हमारा है 6ठा दिन। तो परसों हम लोग होके आए हैं वृंदावन, वहाँ की होली, वहाँ का माहौल देखा। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे घूमते फिरते हैं, फिर ताजमहल को देखते हैं। तो बने रहिए। तो यहाँ से हम लोगों को अब निकल लेना है टिकट, जो कि अरुण ने भी बताया, पता होता तो पहले ही ले लेते जाके। कुछ दिख रहा है कुआं के अंदर, कुआं इसको देखो, जोधा अकबर में इसी तरह तो बना था, अकबर वहीं तो बैठे थे मूवी में। कार प्रगति पर तू पढ़या चल, तो लामे पढ़े। वाह इतना अच्छा लग रहा है, निकलो और इतना बड़ा सब दिख रहा है ग्राउंड, घास कितनी अच्छी लग रही है, पूरा ग्राउंड बड़ा बड़ा। ताजमहल किस साइड से दिखता है? अरे ताजमहल दिख रहा है उधर से दिखेगा, ऐसे कर चलो। ये दिख रहा है ताजमहल, उनके जितने भी वर्कर रहते होंगे, इतनी जहाँ पर पब्लिक है इतने भी नहीं होंगे ना, फिर वो खाली नहीं लगता होगा ये पता नहीं, जेल लगाई नहीं होगी, वो जालियां तो बाद में लगी होंगी। कितना तो बदल गया होगा एक्चुअल में, पहले रहा होगा जैसे, इधर से भी दिख रहा होगा ना, फोटो शूट करा रही है। ए ये रहा पहले ताजमहल देख के आने दो, पहले के बाद अभी लगा हो क्या पता, फालतू में इन चीजों को पुराना बता रहे हो। वाह 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 ताज, वाह क्या व्यू है, इधर से ही तो आए थे हम बाइक से। सब पितरा दी रहा है ये सब, अरुण ये देख ये खाली है यहाँ पे, ये खाली है। लो गाइस ये पता नहीं कैसा दिख रहा है आप लोगों को, ये फाउंटेन का कितना मस्त लग रहा है, सारे टुकड़े रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टुकड़े फंस रहे हैं उधर, देखो ऊपर ये ब्लैक वाली मार्बल है वो भी देखो फंस रही है, देखो ब्लैक ब्लैक, वो एक निकल गया है। नहीं वो निकल गए इधर पिलर में ऊपर, पिलर में पूरा ये सारे सब में दिए रखे जाते होंगे ना। ये होल किस लिए है? ये जलाने के लिए, इतना ज्यादा इतना ज्यादा तेल भरते थे कह रहा पूरा काला हो जाता अगर जलता तो इसमें नहीं जलाएंगे इतना थोड़ी, लेकिन ये है किस लिए, ये है किस लिए?
हाथ डाल के देखें कितना हाथ चला जा रहा है यार। ये पूरे मार्बल कैसे कटिंग करी गई है। इतना डिटेल में इस बार देख रहे हैं ढंग से, नहीं तो आ चुके एक बार लेकिन उस पर पता नहीं कैसे छोटे थे क्या है, ध्यान ही नहीं है सब, या फिर आए नहीं थे यहाँ तक कि। गजब 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 भाई, गाइड मेरा अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं कि हत्तो हत्तो रे हत्ते क्या बोलने लगता है, बकवास गाइड है। पैसे वापस करना ठीक है, खास महल है ये। वाह ये एंगल कितना अच्छा है। फॉलो मी गाइस, आ गए सफ़ेद किले से लाल किले में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। ये रहा लाल किला, पीछे रहा सफ़ेद किला। देखो ऐसे हम भी कट हो जाए ना तीनों लोग, ऐसे हम तीनों अरुण चलते हैं। हाँ यार अच्छा लग रहा है, चलते हैं हम तीनों सफ़ेद पहने। अरुण कह रहा है ये तो ये तो ये तो ये तो घर की नालियाँ हैं इनकी, इतनी खूबसूरत 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 है। ये कह रहे हैं यहाँ पे गाइड कह रहे हैं कि पानी ये सीधे यमुना नदी में जाता है। हाँ क्या तुम बताओ, तो उधर किसी ने नहाया वहाँ, हमारे गाइड नहाया और इधर पानी आया और ये सब नहाने धोने का पानी बाहर बाहर, क्या बात। तो गाइज मैंने एक अच्छा काम किया, वो पानी यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है, गजब है गजब है। ये देखिए जो स्टार्टिंग में दिखाया था अभी आपको, इधर पूरा घूम के आ रहे हैं हम लोग ताज वाज देख के, और फिर से चलते हैं इधर अंदर। यार यहाँ पे ये उतार के इधर जाने को मिलेगा नगीना मस्जिद, ये नगीना मस्जिद कितने आराम से बैठे हैं सब लोग, ये कितना खूबसूरत है। तो भाई जो भी सब कुछ देख के आ रहे हैं अभी इसके अंदर ही था, ऐसा लग रहा था यहाँ घूम के यहाँ पे जाएंगे आगे, लेकिन जो भी कुछ था इसके अंदर ही देख के आ रहे हैं। अब शायद मुसम्मनपुर जहाँ पे शाहजहाँ बंदी था, तो वो शायद मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, पता नहीं कहाँ है, अरुण कह रहा है शायद उधर है, देखते हैं। मज़ा आ रहा है लेकिन यार, इतना भरोसा कैसे आ गई, तो भागती रहती है। ये गाइड क्या बता रहा है, कह रहा है कि उधर कुछ भी हो बस हम देख रहे हैं, मतलब मुसम्मनपुर जो या पे शाहजहाँ कहते वो वाला पार्ट हो कुछ भी हो देख रहे। ओके आ यार पानी मिला पानी मिला पानी मिला पानी मिला, ला यार यार पानी पिला दो, सब लोग अपना अपना गला सूख गया, गीला हो रहा है, ऐसे खड़े हैं ला पूरा डोबले में सब मुझे वो पानी। गाइस बैठ के पीना चाहिए चाहे जहाँ पे बैठो। तो हम लोग अभी इधर से आए थे और इसके अंदर गए थे, ये सब देख के आ रहे हैं, अब शायद इधर ही इधर को जाना हो, इधर ही जाना होगा यार। देबू आओ डिजाइन कितनी अच्छी नक्काशी देखो गाइस क्या खूबसूरत है। कैमरा कर रही क्या क्या देखा जाए, दिन कम पड़ जाता है समय कम पड़ जाता है। अभी ताजमहल भी देखने जाना है, वो भी मन में घुसा हुआ है कि जाना है जाना है, 7 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है। तो हम लोग लाल किले से बाहर निकल आए हैं, अब जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, बाइक लेने गए हैं दोनों। अच्छा अरुण तो ये रहा, देबू लेने गया है, चलते हैं ताजमहल।
गाइस हम लोग को इस गेट पे आना पड़ा है और बाइक यहाँ पे पार्क करने गए हैं लोग, और इधर से हम लोग पैदल पैदल जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है करीब, कोई बताया था 5 बजे ये बंद हो जाता है एंट्री वगैरह, लेकिन ये अंकल जी लोग बोल रहे हैं कि 5:30 बजे बंद होगा, तो चलो आधे घंटे का टाइम मिल गया, अब वो लोग आराम से आ जाएंगे कोई दिन। और 7:30 बजे बंद होने लगता है ताजमहल। यार ये माइक नहीं जाएगा, इसको यहाँ पे जमा करना है। इसका टिकट बड़ा अलग सा है, देखे क्या यार उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर उल्टा। ओके वाह क्या सीन है, वो दिख रहा है गुंबद। इसकी खासियत जहाँ तक कि मुझे मतलब पता चला है उस हिसाब से ये है कि ताजमहल दूर जाता जाता है जैसे जैसे दिखता है, एकदम सेंटर से चलते जाते हैं। वाह देखो दूर जाता जा रहा है, कितना छोटा लग रहा है, देखो दूर जाता जा रहा है यार, कसम से अरुण इसमें तो अच्छा ही नहीं रहा। 7 अजूबों में क्यों ना हो। तो ये है ताजमहल, ये आ गए ताजमहल के और पास। अमेजिंग। 1832 कब बना था, 1832 22 साल में बना था इसका, बताया किस सन में बन के तैयार हुआ था। 1632 याद नहीं आ रहा, अब यहाँ आके सब भूल गए इसके सामने हम। सच में यार हर एंगल में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी 6:15 हो रहा है करीब, और ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। देखो अरुण ये व्यू भी अलग है, क्या बोल रहे हैं। ली है ग्रे है, ऑफ वाइट जैसे ताजमहल है ऑफ वाइट, वैसे ही तुम्हारी डिजाइन, हमारी ये ऑन वाइट है। दुकान की आए थे देख कितनी बड़ी बड़ी लिखी हुई है। तो ये गाइस अगली सुबह, और हमारे साथ संदीप भी आ चुका है इस व्लॉग में। तो ये भाई साहब हैं मेरठ में, इनको कॉलेज मिला है, और ये हमारे क्या हैं गवर्नमेंट टीचर मास साहब हैं। मास साहब नमस्ते बोलो। नमस्ते। तो नमस्ते तो मास साहब को बोला जाता है। तो हैप्पी होली, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद। तो सुबह सुबह देखो अभी हम लोग की हो चुकी है होली, अभी देखिए पक्के रंग वाली भी स्टार्ट होगी धीरे धीरे, और सुबह का करीब 10:30 बज रहा होगा अभी। और देवो बेचारा परेशान है, उसका इंडिकेटर टूट गया और उसका बैटरी भी ऑफ हो, मतलब वो क्या हो गई, डाउन हो गई है, गड़बड़ हो गई है। हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये सेल्फ हो ही नहीं रही है स्टार्ट, डिपर भी की तोड़ दी, चिपक गया। हाँ चिपका रहे हैं। तो हाँ हम लोग कल आ गए थे ताजमहल से घूम घाम के, फिर वहाँ दिव्या के रूम में रुके, फिर इसको लेके हम लोग यहाँ पे आ गए, और बस यहाँ पे आज लास्ट डे है, शाम को जाएंगे आदेश भैया के रूम पे। साथ में बने रहिए, मौज करते रहिए। और अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सही नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगा यहीं से, और घर तक की चलेंगे उस व्लॉग में। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।